हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब ठीक होंगे। और अब मैंने शावर ले लिया है और मैंने पूजा भी कर ली है। अब मैं नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। आज मैं नाश्ते में आपको सूजी के अप्पे और उसके साथ लहसुन की चटनी बनाना बताऊंगी। सो गाइस, अब मैं सबसे पहले लहसुन की चटनी की तैयारी करूंगी। लहसुन की चटनी में ये है मेरे पास लाल मिर्चें, ये थोड़ी सी हार्ड है, इनको गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ी सी इनको उबालूंगी, बस बिल्कुल एक दो बॉईल ही करूंगी इनके साथ, फिर उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे पीसने में मेरे को आसानी होगी। और ये है लहसुन की कलियां, ये है कर्ड जो चटनी पीसते वक्त उसमें डलेगा, और सिर्फ इसमें मैं इसमें नमक और जीरा डालूंगी। अब सबसे पहले ये पानी बॉईल हो जाता है, उसके अंदर मैं ये लाल मिर्चें डाल देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक दो बॉईल ही आपको देना है इसके अंदर। इतने ये बॉईल हो रहा, हमारी मिर्चें बॉईल हो रही हैं। अब मैं सूजी को अप्पे की थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ। ये है सूजी, एक कटोरी सूजी अगर आप लेंगे तो उसमें हाफ कटोरी दही डलेगा। ये मैंने दो कटोरी सूजी ली है, अब इसके अंदर मैं एक कटोरी दही डालूंगी। अब इसको मैशर की सहायता से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको मैश करना है, एक साथ ज्यादा पानी ना डालें वरना सूजी बिल्कुल पतली हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालिए। ये देखिए, इसको ऐसे आपने फेंटना है। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। ये देखिए, हमारी मिर्ची हैं वो पहले से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इनको निकाल लीजिए। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। ये मैंने लहसुन छीला था, सबसे पहले ये डाल दूंगी। अब इन मिर्चों के टुकड़े करके इसमें डाल दीजिए ताकि आसानी से पिस जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे। चार या पांच चम्मच। और अब इसके अंदर नमक डालेंगे। हल्का सा जीरा। और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लहसुन की चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, एक भी लंग्स नहीं है इसमें। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, क्योंकि लहसुन की चटनी में छौंक लगाने से और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तेल जब गर्म हो जाएगा, अब इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा। बिल्कुल सेफ्टी से इसके अंदर ये चटनी डाल दीजिए। जरा सा इस मिक्सी के अंदर मैंने पानी डाला था,
और वो पानी है। हमने इसे कम से कम 5 मिनट करना है। हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी लहसुन की चटनी बनके तैयार हो गई है। बड़ी यम्मी लगती है ये। अब मैं करूंगी अप्पे बनाने की तैयारी। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। अभी मेरे घर में ये प्याज और हरी मिर्ची अवेलेबल थी। आप चाहे कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ग्रीन शिमला मिर्च, मटर, गोभी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ यही थी तो मैं इसमें यही डालूंगी। ये मैंने प्याज डाल दी और साथ में हरी मिर्च। अब मैंने इसमें सब्जी डाल दी है। अब इसमें नमक, मैं इनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे खाएंगे, और हल्की सी लाल मिर्च, आप इनको मिक्स कर लीजिए। बैटर थोड़ा सा अगर आपको गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। वैसे तो लास्ट स्टेज पे आके इसके अंदर बेकिंग सोडा डलता है, यानी खाने का सोडा, उससे थोड़े से हार्ड बनते हैं और मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। मैं इसमें डालूंगी इनो फ्रूट साल्ट, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हल्का सा पानी डाल दीजिए और उसको हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल में को गरम कर लीजिए। अब इसमें ये मैं राई और करी लीव्स का तड़का लगाऊंगी। अब ये अब इसको डाल दीजिए। ये मैंने मार्केट से परचेज किया था तकरीबन 260 रुपीज़ में। ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। अब इसको गैस पे रख के गर्म करना है और हल्का हल्का इन सांचों में थोड़ा सा तेल डालना है ताकि ये अच्छी तरह ग्रीस हो जाए और हमारे अप्पे चिपके ना। ये देखिए गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 1 स्पून पेस्ट डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना हमें क्योंकि जब ये फूलेंगे तो ये इन सांचों से बाहर आ जाएंगे। और गैस को मीडियम कर लीजिए। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखिए ये नीचे से पक चुके हैं। अब इनको पलटने से पहले इनके ऊपर हल्का हल्का तेल डाल दीजिए। और बिल्कुल सावधानी से इनको पलटेंगे ताकि ये टूटे ना।
और ये खाने में बहुत हेल्दी होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करके खाते हैं। अब इनके ऊपर हल्का हल्का तेल डाल दीजिए और इनको फिर 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे यम्मी से आप पे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारे क्यूट से सॉफ्ट से, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यही आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।